राजधानी भोपाल में विगत दिनों से लगातार लूट की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के कृष्णा मार्केट में एक ज्वेलर्स की दुकान में कल रात को दो अज्ञात लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था। वहीं बाग सेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि घटना के बाद अलग अलग टीमों का गठन कर लिया गया है, साथ ही पुराने अपराधियों से भी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या पूरा मामला है सर? हाँ, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि SS ज्वेलर्स करके एक दुकान है, उस पर दो हेलमेट धारकों ने प्रवेश करके और उनके साथ लूट कारित की है। उसमें अपराध दर्ज किया है और उसमें अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और अधिकारियों के निर्देशन में उसमें काम चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने का। जल्द ही उन्हें आइडेंटिफाई करके पकड़ कर घटना का खुलासा करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि सर जिस प्रकार से अभी लूट की घटना हुई है उसको लेकर कहीं उनसे किसी मिले जुले होने के संकेत तो नहीं है? अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी होगी कि जब तक हमें कोई सार्थक लीड नहीं मिलती है या हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन लोग इसमें शामिल हैं। कैसा CCTV वगैरह में कुछ पता कोई पहचान? अभी प्रयास कर रहे हैं, हमारी अलग अलग टीमें लगी हैं जो पुराने अपराधियों को खंगाल रही हैं, जिस तरह की घटना करने वालों के संबंध में जानकारी ले रही हैं, आसपास के CCTV फुटेजेस को खंगाल रही हैं, उनका सबको कंपाइलेशन करने के बाद ही कुछ भी कह पाना संभव होगा।